अब हम चल दिए हैं मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन, जहाँ जहाँ वो गए। जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। पूनम चौधरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आज हम जा रहे हैं मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन के लिए। मेरे छोटे भैया भाभी आए हैं तो उनको दर्शन करने, तो साथ में इनके बहाने से हमारे भी दर्शन हो जाएंगे। काफ़ी टाइम से मैं भी नहीं गई हूँ, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं मनसा देवी के दर्शन के लिए। तो दोनों देवी के दर्शन एक साथ करने हैं, इसलिए हम उलन खटोले से जा रहे हैं। और ये देखो, वृषा को हमने पूरा कवर किया हुआ है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी हाइट पे और बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। और ये पीछे का व्यू देखो, तो बहुत अच्छा नजारा है यहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा हमें। हमने मनसा देवी के दर्शन कर लिए और बहुत अच्छे दर्शन हुए, बिल्कुल अंदर बैठ के हमने पूजा की है तो बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शन हो गए हैं आज। और अब हम चल दिए हैं चंडी देवी के दर्शन के लिए, वो दूसरी साइड को है। तो फिर आज दोनों देवियों के दर्शन हो जाएंगे। तो बस अचानक से हमारा प्लान बना था कि चलो देवी के दर्शन कर आते हैं, नवरात्र में काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर। और ये देखो चंडी घाट का पुल, तो आजकल गंगा में पानी भी बहुत साफ आ रहा है, सर्दियों में पानी बहुत ज़्यादा साफ आता है। तो अब हम पहुँच गए हैं चंडी देवी मंदिर पर। तो ये बाहर का मेन गेट है, अब हम अंदर एंट्री करेंगे और यहाँ भी हम उड़न खटोले से ही जाएंगे ऊपर। तो आज काफ़ी ठंडी हवा चल रही है तो बच्ची के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अब हम अंदर एंट्री करेंगे। चंडी देवी पे कुछ ज़्यादा भीड़ है और ये देखो वृषा को हमने बहुत ही लपेटा हुआ है और हम वेट कर रहे हैं अभी उड़न खटोले का। अब हम चंडी देवी के लिए उड़न खटोले में आ गए हैं। अभी तो देखना, जब वो ऊपर जाएगा ना। मामा मेरी एक फोटो खींचो प्लीज। अगला वीडियो बन गया, पहले भी फोटो खींचो। बाजी मारी बहुत, इसको मैं लगा देती एक बार। मैं तो कॉल लगाई है एक बार, 112 नंबर की कॉल। माता रानी की चुनरी, नीचे चाय पानी ले लेंगे तब। इधर को जाना भैया, चलो चलो तू भी लगवा ले, दक्ष लगवा ले बेटे। अब हमने चंडी देवी के दर्शन भी कर लिए हैं, उड़न खटोले से जल्दी हो जाते हैं दर्शन। तो दोनों देवी के दर्शन हो गए हमारे, बहुत अच्छे से हुए हैं आज दर्शन क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सर्दियों में भीड़ कम रहती है। तो उसके बाद 11 बज गए थे हमें, तो हमने सोचा चलो चाय पी लेते हैं। और चंडी देवी में यहाँ नीचे कैंटीन है, बहुत अच्छी कैंटीन बनी हुई है, मतलब कि सब तरह की फैसिलिटी और बहुत साफ़ सफाई है। तो हम यहाँ कैंटीन में आ गए थे और हमने चाय ऑर्डर की, कुछ खाने का किया ऑर्डर, सबको भूख लग रही थी। और छोले भटूरे लिए और किसी ने पाव भाजी, किसी ने कुछ, तो हमने पहले यहाँ खाया पिया। उसके बाद हम लोग घर को गए, तो कैंटीन खाना भी अच्छा है और चाय बहुत अच्छी है यहाँ की, चाय तो बहुत पसंद आई मुझे यहाँ। तो चाय पीने के बाद मैं बाहर आ गई थी और बाहर देखो अब भीड़ लगनी शुरू हुई है। तो यहाँ पे टिकट काउंटर है, तो वहाँ सब बैठे हैं टिकट लेने के लिए। और ये देखो कितना अच्छा है यहाँ पर, तो चंडी देवी में अच्छा वो बना हुआ है, कैंटीन है और बैठने की भी अच्छी जगह है, तो बहुत अच्छा स्पेस है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और सर्दियों में भीड़ भी कम रहती है। तो हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए, अब चल रहे हैं हम अपने घर को। तो जय माता दी। तो नवरात्रों में तो नहीं कर पाते हम दर्शन क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इससे में हम आ गए, बस देवी का बुलावा था तो हम आ गए, नहीं तो अचानक से कोई प्लान नहीं था। अब हम घर को चल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे ब्लॉग को देखते रहिए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।